तो सीए को लेकर बीजेपी आज से घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत कर रही है। दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। नागपुर की बात करें तो यहां पर नितिन गडकरी सीए के बारे में बताएंगे। वहीं पार्टी के और कई वरिष्ठ नेता देश भर में शहरों में लोगों के घर घर जाकर सीए के बारे में जानकारी देंगे। तो गाजियाबाद की बात करें, जेपी नड्डा लखनऊ में, राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी में, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर में, वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद में मौजूद रहेंगे। और नरेंद्र यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। नरेंद्र, लखनऊ में किस तरह की तैयारी, संपर्क अभियान? मकसद बीजेपी का यही कि सीए को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कई दिनों पहले हुआ, अब भ्रम की स्थिति को यहां पर साफ किया जाए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोधी दलों पर हमलावर रही है और लोगों को भड़काने और उकसाने की बात कर रही है। गलत तथ्यों के आधार पर प्रदर्शन को उकसाने की बात किया था, तो इसी को लेकर आज प्रदेश व्यापी जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करवा रही, जन जागरूकता अभियान चला रही है, ये बड़े पैमाने पर है। उत्तर प्रदेश में भी कई जनपदों में कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे और कई प्रतिष्ठित लोगों के घर भी जाएंगे और उनसे वार्ता करेंगे, जिससे पूरा माहौल बनाया जा सके और जो भ्रम है लोगों के बीच में इसको दूर किया जा सके। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर में होंगे, वहीं स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो एक तरीके से विरोधी दलों को एक करारा जवाब देने का कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी का है। बिल्कुल, चलिए फिलहाल नरेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित दुबे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमित, दिल्ली में किस तरह की तैयारी? गृह मंत्री अमित शाह, जो भ्रम की स्थिति फैली है और विपक्ष पर हमला उनका यहां पर रहने वाला है, तो कहां पर उनका एक कार्यक्रम और कोशिश क्या कुछ रहने वाली है? देखिए, अगर अमित शाह की बात करें तो दिल्ली के लाजपत नगर में जो है वो अमित शाह लोगों से मिलेंगे और बाकायदा जन जागरण अभियान जो है वो खासतौर पे सीए को लेकर उसे करेंगे। और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो पूरे गाजियाबाद में उनके प्रोग्राम है, चाहे वो वैशाली की बात की जाए या रेलवे कॉलोनी की बात की जाए, कई जगह लगभग 3 से 4 जगह जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रोग्राम है, जहां वो हर आधे घंटे में एक जनसभा, छोटी सी जनसभा जिसे खासतौर पे डोर कैंपेन कहा जा रहा है, और उससे उसके तहत लोगों को मिलेंगे और एनपीआर और सीएए के क्या विकल्प हैं और किस वजह से इसे लागू करना बहुत जरूरी था और क्या चीजें हैं इसके समर्थन, देश को कैसे इससे लाभ मिलेगा, ये सारी चीजें जो है वो लोगों के सामने रखेंगे। हालांकि पहले से ही खासतौर पे बीजेपी की एक रणनीति और यही वजह थी कि सरकार के लगभग सभी केंद्रीय मंत्री कहीं ना कहीं ड्यूटी लगाई गई है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, सभी केंद्रीय मंत्री जो है जिला मुख्यालय पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों से मिलेंगे। और इसके साथ ही बीजेपी के जो उपाध्यक्ष है या बीजेपी के महासचिव है, बीजेपी पार्टी के जो लोग है वो उन लोगों को भी मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरी तैयारी यहाँ पर, जितना भ्रम अभी तक विपक्ष ने फैलाया है, जितना विरोध किया है, उसके इतर यहां पर कोशिश पूरी यही कि अब जो तनाव की स्थिति तमाम राज्यों में सीए के बाद देखने को मिली थी वो ना आगे बने, इसको लेकर ये कोशिश यहां पर रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।